हाल है, खैर खैरियत, ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं नासिर भाई के साथ, नासिर बादशाह के साथ बैठा हुआ बाइक पे जा रहा हूँ, और मेरे साथ है ये उमर भाई। जी मेरा भाई, बजा थोड़ा दूर रखो। दूर हूँ, आप भी अपने आप को सुनो। अच्छा, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं भाई खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए, अच्छा हमारे साथ नोमी भाई भी है भाई, वीडियो में आपको बता। नोमी भाई साथ जा रहे हैं इस वक्त, ये कढ़ाई खाने, और इस वक्त लसला की मशहूर लाइव कोयला कढ़ाई खाने के लिए जा रहे हैं, और बैक साइड पे हमारे आ रहे हैं अपना उमर भाई। और नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, किधर से निकल गए, ये साहब मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की तरफ से निकल रहे हैं, और ये रोड आप देख रहे हैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत रोड। हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो तो क्लियर कर देंगे। बिल्डिंग रोशनियों का शहर कराची, रोशनियों का शहर कराची, जो डर गया वो मर गया। पीछे उमर भाई कहते हैं कि तेरे चक्कर में सबके मोबाइल जाएंगे, जाने की चीज़ है जाने दे भाई, क्यों ना सर। अच्छा यहाँ तो खेलने चल रहे हैं, ये तो खेल ही इसी चीज़ का भाई। कराची, कराची में रहना है तो डर के नहीं रहना, ये चीज़ है। और अब जो फैसला हुआ है भाई, हम लोग जा रहे हैं लाइव कोयला कढ़ाई खाने के लिए, और लाइव कोयला कढ़ाई खाने के लिए फैसला ये हुआ है कि पति डालेंगे, पति में जिसका नाम आएगा तो वही खाना खिलाएगा, अब उमर वही पेमेंट करेगा, वही पेमेंट करेगा। और इस वक्त उमर भाई डर रहे हैं कि पेमेंट उसका नाम ना आ जाए, कहीं बर्तन ना धोने पड़ जाए, तो उमर को जाके हम लाइव आपको बताएंगे कि ये उमर भाई है जो डर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन बादशाह, ओके। माशाल्लाह छोटी टोपी लगाए हुए हैं, गाड़ी और कलम लगाया हुआ, बड़े प्यारे सफेद सूट में नाज़रीन भाई बाइक चला रहे हैं इस वक्त, और मुस्कुराहट चेहरों पर मुस्कुराहट, ऐसा लगता है बेचने के लिए जा रहे हैं। ग्रीन लाइन बस का स्टेशन से पास हमारे। लाइव कोयला कढ़ाई, हम लोग यहाँ से यहाँ पे आते हैं बड़े दूर से, और नजोबाग से आते हैं। इतनी कोयला कढ़ाई बड़े मज़े की, माशाल्लाह लाइव सामने बनाते हैं, आगे लेके इनके मसाले वगैरह। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं कि लाइव कोयला कढ़ाई खाने के लिए। कोयले के ऊपर कढ़ाई बनने का मज़ा, टेस्ट ही अलग है। Thank you.
नुमान मस्जिद सीधा आगे आगे पटेल पाड़ा की तरफ आते हैं तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप पड़ी गई है लाइव कोयला आ रही है और ये कारी साहब हैं माशाल्लाह ये बनाते हैं और गोश्त पर ये देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने व्यूज से? बस आप लोगों का प्यार है, आते रहो जैसे आप लोग आ रहे हो। मतलब हम बड़े दूर से आते हैं इनकी ये कढ़ाई खाने के लिए, इसका टेस्ट और ये सब चीज़ ज़बरदस्त है। हमारा ये है कि एक दफ़ा ज़रूर आइएगा ये कढ़ाई करने के लिए। और स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है भाई माशाल्लाह, उन्होंने आप देख लीजिए मसाले वसाले भी बना दो, मसाला कढ़ाई बता देगा ना लाइव जो भी मैं बता देते। हम बड़ी दूर से आते हैं, हम यहाँ कटीपाड़ी डिसलवा है वहाँ से यहाँ पे आते हैं आपकी कढ़ाई खाने के लिए, तो ये थोड़ा इसलिए लेट हो गए नहीं तो हम तकरीबन महीने में एक दो दफ़ा आ ही जाते हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हमारे व्यूज़ भी देखेंगे तो आपकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह यहाँ का स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, ये भाई हमारी बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाते हैं। दुखल क्या वाला तिखल नाम है भाई? क्या नाम है? तिखल। तिखल तिखल बड़ा मुश्किल नाम है यार। भाई सुथराई भी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। आधा किलो चिकन वाला का हुआ, शाही ग्रेवी ज्यादा का हुआ भी है, पिछोड़ का आधा किलो कि आपने देखा कि हम लोग वेट कर रहे हैं कढ़ाई का, कढ़ाई सारी बंदी हुई आपको बताई हमने, प्रोसीजर बताया कैसे कैसे, और पूरा कोऑपरेटिव स्टाफ है ये उमर साहब हमारे साथ बैठे हुए वेट कर रहे हैं सिंधी टोपी लगा के, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप खाले साहब की तरफ से कढ़ाई खाने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला इनके रिस्क बहुत बरकत दे। आमीन। इस तरफ से आमीन बोलूंगा लेकिन जब से बोलते हैं कहते हैं ऊंट के मुंह से जीरा गिरता है, इसको कढ़ाई खानी है खालिद की तरफ से खानी है, खिला देंगे यार तेरे तेरे से अच्छी है खिला देंगे। खालिद से दावत ये तो अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे और बहुत अच्छी वीडियो बना रहे अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाब करना। आमीन आमीन। जी नासिर भाई ऑर्डर तो आपने दे के आ गए माशाल्लाह, व्यूवर्स ने भी देखा लोग भी देख रहे थे नासिर भाई खड़े होकर ऑर्डर दे रहे थे, तो अभी इंतज़ार है तो तकरीबन कितना टाइम लगेगा आप क्या कहते हैं इस पर? मैंने ऑर्डर दे दिया बनवा लिया, मैं खा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, बात अभी नहीं आती पर बात करते हैं। बादशाह आदमी है बातें करे ना करे इनका होना ही बहुत है भाई। नौमी भाई इंतज़ार, किस चीज़ का इंतज़ार है? उम्मीद है अच्छी कढ़ाई खाने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप भी कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? तकरीबन कई बार आ चुके हैं नासिर भाई के सादत से। आपने पहली दफ़ा जब
जब खाई तो आपको कैसा लगा इसका टेस्ट? तो आज भी जब दूसरी तरफ जा रहे तो हमने यू टर्न लेके यहाँ पे आए। बिल्कुल, ये ट्रेडमार्क है, बहुत अच्छा लगा। और लोग और लोगों से भी गुजारिश है कि माशाल्लाह लाइव कोयला कढ़ाई पटेल पाड़ा पे आके खाए और एक बार खाएंगे या फिर बार बार आएंगे। इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है और इनकी सुबह के नाश्ते में जो पाए होते हैं वो इंशाल्लाह सुबह के पाए के नाश्तों का बताया है। उम्र चीज़ है यहाँ पे के कढ़ाई तो बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, लाइव कोयला कढ़ाई जो है उसका टेस्ट तो अपनी जगह ऐसा है कि आप ना पूछें। मैं कहता हूँ कि एक बार आके जब टेस्ट करेंगे आप खाएंगे तो यकीनन आप दोबारा आएंगे यहाँ पे, दोस्तों को भी लेके आएंगे। और दूसरा है यहाँ पे कि सुबह का नाश्ता उम्र भाई बता रहे हैं कि सुबह का नाश्ता यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है, पायों का नाश्ता, बकरे के पाए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, इसमें मतलब कल आप फिर इसका सुबह का नाश्ता करवा रहे हैं हमें? नहीं नहीं, तो आपकी तरफ से होगा ना, क्योंकि आपने हमें बताया ना बहुत अच्छे। कढ़ाई तो मैं करा रहा हूँ, तो नाश्ता तो आपकी तरफ से होना चाहिए ना। हाँ, करा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, करा देंगे। लेकिन अभी की तो कढ़ाई खालिद भाई है, पैसे रख के आने जेब में, 300 रुपये रख के नहीं आना। 300 रुपये अल्लाह ताला बरकत देगा, नियत साफ होनी चाहिए। 1-0 बढ़ा देना उसमें, ठीक है? हाँ, 1-0 माइनस भी कर देंगे आगे। चले ठीक है, अभी सर इंतज़ार हो रहा है, कढ़ाई है, फिर आपको उसका टेस्ट बता दें। और भाई अभी खाना खाने के ऊपर पेमेंट देने की बात हो रही है कि कौन पेमेंट देगा कौन नहीं, तो यहाँ पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो तो एक हुई उन्होंने अटकाई हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है कि भाई एक ही बंदा पेमेंट करेगा। तो नौमी भाई का फैसला है कि यहाँ पे पर्चियाँ डलनी चाहिए। पर्चियों के लिए मैं कागज़ लेके आ चुका हूँ और 4 पर्चियाँ डालेंगे, सब ऊपर उमर का नाम लिखेंगे, जिस पर उमर का नाम निकलेगा तो फिर उमर साहब खाना खिलाएंगे। जाने भाई डन है, जाने भाई डन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ने बोला डन है, किसी का बाप भी मना नहीं कर सकता। पर्चियां तो बन गई हैं, अब पर्चियां फेंकेंगे, पर्चियां उठाएंगे नासिर बादशाह। ठीक है भाई, एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में पर्ची उठाना है, देखते हैं किसका नाम आता है किसका नहीं आता। भाई ये पर्ची बना दी गई है, एक मिनट एक मिनट, उनको इशारा करके बोलना है, मेरे नाम डाल के बोलना है, आप पर्ची उठा लो कोई। चले भाई, बाहर का बंदा पर्ची उठा रहा है, नाम देखते हैं किसका आता है। नाम बता ना। भाई ये बेमानी हुई है, ये बेमानी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है भाई, बाहर के बच्चे तोड़वाई है, एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है भाई बेमानी हुई है, बेमानी अच्छी है, 3 बार होती है, क्या उसको मसल के ख़राब कर दिया भाई जान। ये पर्ची उठा रहे हैं बाहर के बंदे हैं, आखिरी बारी है भाई, ये उमर फेंक रहा है ना, उमर फेंक रहा है भाई जान। एक और बार अब हमें दे भाई, इसके हाथ में नहीं दे इसमें, नहीं 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 भाई बेमानी, बोलो बोलो बोलो, नासिर भाई बोल दे, नासिर भाई बोल। ओ जोनी भाई, ये क्या चक्कर है यार भाई, चेक करो सारी पर्चियों में, अल्लाह मेहरबान, नहीं नहीं ये पर्ची गलत कर रहा है, अल्लाह मुझे बस हो गई, खत्म हो गई, तीन दफा नहीं, अल्लाह ने चुन लिया है, अल्लाह ने भाई, नहीं अभी ये मिक्स कर रहे थे, सही मिक्स नहीं कर रहे भाई, अल्लाह इनको और बार, चलो भाई आखिरी बार एक ट्राई करते हैं, चुन लिया इनको, एक बार उठाइएगा, नहीं ना एक बार फेंको फेंको ना, समझो आप लोग समझो ये खा रहा है यार, तुम गलत हो गए, तुम आते थे, चल छोड़ छोड़, कितनी दफा और करवाओगे, 3 दफा तो हो गया है, चलो हम जाते हैं, इसका उमर का नाम है नौमी भाई, अरे नौमी भाई, नौमी भाई कुछ आ गया कि पर्चियों में नाम अलग लगे नहीं है, अबे नौमी लिखा सब में यार, नहीं नो पर्चियां सब चेंज करके चेक कर दिया भाई, हो गया काम भाई, अब जो अच्छा भाई अब हो गया काम, यहाँ पे नासिर बादशाह पर्चे सारी खोले भाई, नाम तो हमारा ही आना है, हो गया ना, ये लो उमर का एक बार नाम, खालिद ये लो, अब ये ले, अब हो गया काम खत्म, काम खत्म हो गया, अब हो गया काम खत्म, 4 दफा ठीक है, 4 दफा आ गया बस, हो गया। नौमी भाई इसके चक्कर में आपने क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे चुना और यकीनन मेरा कोई अमल पसंद आया होगा अल्लाह, और क्या आज मुझे खिदमत के लिए चुना गया और मैं उस पर बहुत खुशी है, बस जो लोग के लिए खिदमत करें और अपने आप को शहीद करें पानी के।
एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। यार आपको तो मैं देख लूंगा। अल्लाह की तरफ से ना आप खाना वाना खा के जाते यार। बैठे भाई खाने खा के जाने। जज़ाकअल्लाह भाई बहुत शुक्रिया। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है। बड़ा मजे का इत्तेफाक हुआ। पर्चियां फेंकी, पर्चियां चार बार निकाली, चारों बार नोमी भाई का नाम आया। लेकिन फेंकने वाला बंदा अपना उम्र था, उठाने वाला एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था। इसके अंदर तक क्या तक जाएंगे भाई? चले खैर, अभी खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या है क्या नहीं है, बेचैन आत्मा है ये। इसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग दुआ करेंगे। भाईजान ये वाली टोपी नहीं पहनते, पहनते मुसलमानों वाली टोपी। जो किसी को पहनाओ फिक्स आ जाए आपको इसका सीधा उल्टे का पता चलता है। आप टोपी कोई नहीं पहने लेकिन होना चाहिए। दिल नहीं, मुसलमान वाली टोपी पहनो। जो किसी को पहनाओ पता चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा किसको कौन सी टोपी पहनाई आपने। उमर ने टोपी पहनी हुई, बड़ी प्यारी टोपी पहनी है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनके ऊपर जच भी रही है। और ये पूछेंगे इनसे उन्होंने कहाँ से ली, कितने की ली। ये हमने टोपी ली है ली मार्केट से, और ये है याकूबी टोपी, और ये आपको मिली है 4000 रुपये की टोपी। हैंडमेड है। इसमें क्या ऐसी है कि ये टोपी पहन के बंदा गायब हो जाता है 4000 की? ये हाथ से बनी हुई जो चीज़ होती है उसकी क्वालिटी अलग होती है, मशीन से बनी हुई होगी उसकी क्वालिटी अलग। भाई सर पे पहननी है ना, टोपी है पहननी है, हाथ वाली क्या और मशीन वाली का क्या फर्क? तो हाथ वाली हो या मशीन वाली इसमें फर्क क्या? फर्क होता है हाथ वाली होती है वो सॉफ्ट होती है, मशीन वाली थोड़ी हार्ड होती है। चलो जी माशाल्लाह अच्छी लग रही है टोपी। नासिर बादशाह ने भी पहनी हुई है टोपी, बड़ी प्यारी लग रही है। नासिर भाई आपने कहाँ से बनवाई टोपी? ये ली मार्केट से लिए उमर के साथ जाके। तो आपने भी 4000 की ली है? मैंने लिए ये 2000 रुपये की। 2000 की, अच्छा सही रेट बताया। इससे 4000 की ली? इससे 4000 रुपये की ली है। एक ब्लैक वाली है वो 5000 रुपये की। ये दो टोपी हम लोगों ने ली थी 9000 रुपये की। नासिर भाई वाली जो टोपी है माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन है, और वो नासिर भाई बड़ी अच्छी जश्ती है। वो ब्लू, और ब्लू कौन सा कलर है? ब्लैक और ब्लू टाइप, और तीन कलरों की मिक्सिंग टोपी है। लेकिन वो टोपी भी आपको बताएंगे, लेकिन यार मुझे वो वाली टोपी बताओ जो मैं पहनूं और गायब हो जाऊं, मिस्टर इंडिया की तरह। वो सुलेमानी टोपी, वो सुलेमान वो टोपी है। फिर वो नौमी भाई की टोपी पहननी पड़ेगी, वो जैसे गायब हो जाते हैं कभी, ऐसे दूरबीन में नजर आते रहते फिर एकदम गायब हो जाते हैं भाई। नहीं यार ये पता है कौन सी टोपी है? वो टोपी है उधार की टोपी। आप किसी से उधार ले लो उससे आप नजर भी नहीं आओगे, गायब हो जाओगे ऑटोमेटिक। सर्वर गया ना, टोपी दे के आता है लेके आता है। जिसका इंतजार आ गया वो शाकार। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह भाई। बंदों के लिए माशाल्लाह बेहतरीन, और टेस्ट इसका ऐसा कि आप देखें कढ़ाई में कुछ भी नहीं छोड़ा।